ये मैं भी खुलासा कर रहा हूँ कि वो जो चेक पोस्टें लगाई गई थी गाड़ियों की चेकिंग के लिए, वो किसके आदेश पर क्यों हटाई गई, इसकी जो है पहले जांच कर ली जाए। पुलवामा अटैक निश्चित रूप से ये सरकार का नियोजित पुरनियोजित कार्यक्रम था, जिसमें कुछ कथित मीडिया ने उसमें शामिल हुए थे। और मैं आज पूछता हूँ भारत, अर्णब गोस्वामी का आज थूकता हूँ भारत, आज पूरा भारत इस पूछता हूँ भारत पर थूकता है। मैं भी खुलासा कर रहा हूँ कि वो जो चेक पोस्टें लगाई गई थी गाड़ियों की चेकिंग के लिए, वो किसके आदेश पर क्यों हटाई गई, इसकी जो है पहले जांच कर ली जाए। पुलवामा अटैक निश्चित रूप से ये सरकार का नियोजित पुरनियोजित कार्यक्रम था, जिसमें कुछ कथित मीडिया ने उसमें शामिल हुए थे। और मैं आज पूछता हूँ भारत, अर्णब गोस्वामी का आज थूकता हूँ भारत, आज पूरा भारत इस पूछता हूँ भारत पर थूकता है। और मैंने आप जैसे पत्रकारों सुना है कि आप जैसे सोशल मीडिया का जो एंकरिंग कर रहे हैं, जो देश की बात, किसानों की बात देश के साथ, जवानों की बात देश के साथ, मजदूरों की बात देश के साथ, सबकी बात देश के साथ कर रहे हैं, उनके ऊपर NIA ने नोटिस भेजा है। मैं चाहता हूँ, क्या आपने रेलवे खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया, यहाँ तक कि अब संदेह के दायरे में न्यायपालिका है, क्या आप अगर नहीं खरीदे हैं तो क्या आप 4 घंटे के अंदर में अर्णब गोस्वामी पर उसको गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि उनका चैट लीक हुआ है, उनको 4 घंटे पहले मालूम होता है, 2 दिन पहले कि एक बड़ा होने वाला है। सरकार नहीं जानना चाहेगी, नेशनल जो एजेंसीज हैं वो नहीं जानना चाहेंगे बड़ा क्या है। उसमें एक चीज उभर क्या है, AS का इस्तेमाल हुआ है। AS कौन सरकार में है, किस पद पर बैठा हुआ है, तब मानूंगा कि सरकार सरकार है, न्यायपालिका न्यायपालिका है, नहीं तो बिकी हुई है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है आज। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि हम दुर्योधन को हराए, हमने रावण को मारा, हमने कंस को मारा, हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने मुगलों को भगाया, हमने पूर्ववर्ती सरकारों को भगाई। ये देश न झुका है न झुकेगा, न तिरंगा झुका है न झुकेगा, न कभी देश टूटा है न टूटेगा। यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो यहाँ जमीन तुम्हारी धमक हमारी, आगाज आपने किया है अंत हम करेंगे। कहते हैं कि हो बाजुओं में दमखम तो आसमां को झुकते देखा है, हो दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, नहीं चुम लेती मंजिलें यूं ही कि किसी के कदमों को, तूफान जो सो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। हमने 1965 जीता, 71 जीता, करगिल जीती, हमारी जीतने की आदत है। जवान कौन, किसान का तो बेटा है, आज उसका पिता किसान आज रोड पे है, आप संसद में बैठे हैं, अरे आप तो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, हर शाम एक शीशे की हसीना चाहते हैं, अरे वो लूली लंगड़ी बहरी पत्थर की भारतीय संसद हो गई है, असली भारतीय संसद की आर्तनाद उनको सुनाई नहीं देता। यहाँ पर लगभग NDTV के मुताबिक 120 से 23 तक लगभग किसान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। आपके लिए फुर्सत नहीं मिली, अमेरिका में दंगा होता है, आप ट्वीट करते हैं, आप पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पूर्व नवाज शरीफ की पत्नी को उनकी संवेदना प्रकट करते हैं। यहाँ किसान किसान नहीं है, क्या यह देश के नागरिक नहीं है, मानवाधिकार क्या कहता है, अरे ये तो बिल्कुल एकदम तानाशाही सरकार हो गई है, पाप है, पाप अंत तक हार नहीं मानता, इसको हराया नहीं जाता, नहीं तो फिर पनपेगा, इसको नष्ट करना होगा, और नष्ट करके ही जाएंगे, जब तक बिल की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या क्या लग रहा है? बिल्कुल इससे साफ लग रहा है कि पूरी तरह से जो इस सरकार है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने इस समय देश बचाने की बात नहीं हो रही है, पार्टी बचाने की बात हो रही है, कुछ लोगों को बचाने की बात हो रही है। अब उसी प्रकरण में ये अर्णब गोस्वामी, जबकि उनका चैट लीक होता है, गिरफ्तारी क्यों नहीं? पूछता है भारत, ये असली भारत पूछता है, अर्णब गोस्वामी को थूकता है भारत, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार सम्मिलित है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामले तक उसको पहले से ही पता थे,
क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बड़ा संगीन मामला है ये देश की सुरक्षा के साथ। जी बिल्कुल, जिस सरकार जिस चीज की देश झुकने नहीं देंगे, जवानों की बात करती थी, आज सरकार कहाँ है? जब इतना बड़ा लीक हुआ है, निश्चित रूप से वो कई चीजें जो उनको मारा भी जा सकता है। जब ऐसी बातें आती है अर्णव गोस्वामी को पुरुष, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट दरखास्त करूंगा कि तुरंत एडवांस मेरी बात पहुंचते ही उसको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा राज है। कौन लोग है, कौन लोग सत्ता में बैठे हैं, कौन लोग ऐसा करवाए? क्या उसका दाई इब्राहिम से संबंध हो सकता है? क्या उससे जो खाली जो आप कहते हैं उग्रवादियों से हो सकता है? गिरफ्तार करके तुरंत एडवांस सुप्रीम कोर्ट को मानूंगा, तब तुरंत संज्ञान लेते हुए उसे सुरक्षा दी जाए और सरकार उसको गिरफ्तार करे और उसे उसे पूछा जाए कि बात क्या है। बार बार किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हैं, लेकिन अब मामला तो ये खुल के आ रहा है, क्या कहना चाहूँ? जी बिल्कुल, मामला तो खुल के आया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ डीएसपी देवेंद्र का क्या हुआ? उसका आतंकवादी से लिंक था, उसको दबा दिया गया? इसी प्रकार इस मामले को भटकाने का प्रयास किया जाएगा। ये इवेंट चल रही है, कहीं चंदा मांग रहे हैं, कहीं 5 लाख राष्ट्रपति महोदय जी ने दे दिया। अरे ये दिखाने क्या जरूरत है? आओ देखो ना देश की समस्या क्या है। भारत कृषि प्रधान देश है, 70% जनता किसान है, उन किसानों की बात नहीं हो रही है, चंदा दे रहे हैं, इवेंट हो रहा है। देखना चार दिन के बाद ये अर्णब गोस्वामी डीएसपी देवेंद्र की तरह गुम हो जाएगा, सरकार बचाएगी, 4 दिन सरकार 2 दिन चलाएगी, काम खत्म। तो इवेंट चल रहा है, अब चंदा, फिर अर्णव, फिर कुछ, ये किसान मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे हमने क्या मांगी थी? एक एमएसपी मांगी थी, 2 जून की रोटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन हमने C2 आपने दिया, हमने 50 मांगी नहीं, हमने मांगी थी आपने दिया नहीं। देखिए हमें लागत मूल्य, हमें तो कुछ भी नहीं दिया आपने। एक बाटा कंपनी, डाटा टाटा डालमिया अडानी अंबानी, एक बात और कहना चाहता हूँ, अंबानी अडानी बाबा रामदेव आज मिले हुए, पता आपको? सोया उनके योगाचार्य जो गांव में वो लोकल फोकल योगा की बात करते थे, विश्व योग गुरु बने, उनका जानते क्या है? पहले उन्होंने योग प्रशिक्षक नियुक्त किया था, योगाचार्य। आज वो पूरे, आप पता करिए, खुलासा है, वो हर शहरों में गलियों में तेल ले लीजिए, सोया बड़ी ले लीजिए, आपको महाकोश का तेल बेचते नजर आ रहे हैं। वो अडानी की कंपनी है जो दाल की निर्यात करती है, सोया। तो सोया ये जो अंबानी अडानी लाला अमरनाथ, मैं बाबा अमरनाथ नहीं लाला अमरनाथ कहूँगा, आज देश पूरी ये जो सरकार है गिरवी हो गई, बंधक हुई, बिक गई है, लोकतंत्र का नामो निशान है ही नहीं बिल्कुल। और मैं पूरे विश्व समुदाय से आग्रह करूंगा, मानवाधिकार से आयोग करूंगा कि इन किसानों की शहादत, इन बूढ़े बच्चों की जो तकलीफें देखकर जल्द से जल्द तमाम देश इस पर दबाव बनाए, इस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें। 54वां दिन है और 10वीं बार की बातचीत हो चुकी है, अगली तारीख 19 तारीख को रखी गई है, क्या रणनीति निकल के आएगी? कुछ करेक्ट करना चाहूंगा आपको, 52वां 53वां दिन नहीं, 4 महीने और भी पंजाब में आंदोलन चला था, सरकार कहाँ सोई थी? जब उसके छाती पर बैठ गए तब संशोधन की बात करती है, उस समय इसके मंत्री बड़े बड़े किसान जो इस कृषि मंत्री बनते हैं उनका दिमाग कहाँ चला गया था? सब संशोधन की बात नहीं करी थी? लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं इस प्रकार देना चाहूँगा, जब कोई विश्वास में नहीं होता है तब वो बार बार तारीख पे तारीख देता, पूछता था कारपोरेट घर से क्या करें, तो पूछता है अरे पुआली की बात कर दो, फिर पूछता है कि नहीं मान रहे, तो बोला बिजली की बात कर दो, फिर पूछता है नहीं माने। तब कोई भी व्यापारी अपना अगर व्यापार में लगाएगा पैसा, घाटा चाहेगा? कभी नहीं। कारपोरेट घराने ने पूरा चुनाव में पैसे लगाए हैं, वो क्यों घाटा चाहेगी? इससे कम उसको मंजूर ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्य बिंदु पर बात करिए, एमएसपी पर बचना चाहती है। तो सरकार, जो आपका प्रश्न का जवाब, सरकार आज गिरवी है, बंधक है कारपोरेट घराने को, इसलिए कोई नतीजा आने वाला नहीं है। भारतीय संसद जो दिल्ली के छाती पर बैठी हुई है वो तय करेगी कि सरकार को जाना होगा। एनी क्वेश्चन मोर?